नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं ग्राम पंचायत झराजी में और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया सत्येंद्र प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका कार्यकाल पिछले कितने वर्षों से है। सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत स्वागत है सोशल मीडिया का। लमसम हम लोग का जो है जुलाई से स्टार्ट 2016 से तो 4 महीना बचा हुआ है। 5 साल पूरा होने में। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माना जाता है, इसको कितना सफल मानते हैं आप? हम तो मैक्सिमम सफल मानते हैं। अगर 7 निश्चय न होता तो गली गली जो है ना नाली होता, न रोड होता, PCC या आपका ETकरण, ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपके पंचायत में टोटल कितने वार्ड हैं? कितने वार्ड ऐसे हैं जहाँ की जनता नल जल योजना का लाभ ले रही है और कितने वार्ड अभी भी इस योजना से वंचित हैं? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है और 13 वार्ड हैं मैक्सिमम में जो है ना, कि सब में नली गली का 7 निश्चय का जो है कार्य हो चुकी है और अभी बाकी भी है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो विवादित हैं, वो अभी जो है सड़कें जो है ना ये विवादित है, नहीं बन पाई है। और नल जल योजना का लाभ लगभग कितने वार्ड के लोग ले रहे हैं अभी? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 4 जो है ना वार्ड 1, 2, 4, 6 ये वार्ड जो है ना ये लाभ ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं वहाँ की जनता। और वार्ड नंबर 3 PHD के द्वारा है जो कि वहाँ भी पानी पी रहे थे लोग, लेकिन टंकी लीकेज होने के कारण अभी वो लोग पानी से वंचित हैं। रिप्लेस करने के लिए कंप्लेन कर दी गई है। और बाकी के वार्ड की क्या स्थिति है? बाकी के वार्ड 2016 नवंबर से ही यहाँ बोरिंग हुई थी जिसमें टंकी वाइज थी, लेकिन उसके बाद बोला गया कि टंकी नहीं है, इसमें डायरेक्ट पानी की सप्लाई है। इसमें 8 वार्ड अभी वंचित है जिसमें आपका है 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में कुछ वार्डें जो 4 लाइन से उस पार है, दक्षिण की ओर है, वहाँ पानी की सूख गया है। जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति आपके पंचायत में? संभव तो अच्छी है, ठीक ठाक। शिक्षा और चिकित्सा जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पंचायत में? देखिए, समाज का मूल जड़ शिक्षा है और चिकित्सा भी है। मैंने हार्डली बोले तो उतनी अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए। क्या इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था है? अगर जर्जर है तो फिर कैसे जिम्मेवार? इसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों हैं और हम लोग भी हैं। सरकारी स्कूल को लोग आज भी उस नज़रिया से नहीं देखता जिस नज़रिया से प्राइवेट स्कूल को देखते हैं। जिसे प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए 2 दिन पहले से ही कपड़ा आयरन कर दी जाती है, ड्रेस आयरन कर दी जाती है। क्या ले जाना है उसको 1 दिन पहले से रात में ही मतलब पॉलिसी को लगा करके कर दिया जाता है कि बच्चों को टिफिन में क्या देना है, नहीं देना है, हर चीज़। लेकिन वहीं सरकारी स्कूल की जब बातें आती है तो बुआ कहाँ जा रहे हो स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो हो सके वो कपड़ा भी नहीं पहनता, गंजी पहने भी चला जाता है। लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। इसमें जिम्मेवार हम भी हैं, सरकार भी है, शिक्षा भी है, अभिभावक भी है। अगर अभिभावक से मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने जहाँ आपके बच्चे जो पढ़ते हैं उस स्कूल में रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन तो जाएं कम से कम, और जा करके सिर्फ देखें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। शिक्षक से पूछें कि सर जी मेरा बचवा आया है, अगर इतना पूछ लीजिएगा तो वो अपने जिम्मेवारी को समझेंगे और आपके बच्चों को अच्छी ढंग से पढ़ाई करेंगे।